नगर थाना क्षेत्र के कॉलेज हाट मैदान में बीते 22 तारीख को अपराधियों द्वारा सुनील मंडल व अनिल मंडल की पिटाई की गई थी, जिसमें सुनील मंडल की मौत हो गई थी। बताया जाता था कि आरोपी युवक द्वारा सुनील मंडल की भतीजी के साथ छेड़खानी की गई थी, जिसे लेकर सुनील और अनिल मंडल उन्हें मना करते थे, जिसके बाद आक्रोशित प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दोनों ही चाचा को जमकर पिटाई की थी, जिसमें से एक की मौत हो गई थी, वहीं एक को मरा समझ जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले की छानबीन करते हुए 6 युवकों को बीते दिन हिरासत में लिया था। वहीं उनमें से एक युवक विक्रम कुमार महतो को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विक्रम उन सभी अपराधियों का सरगना भी है और ये मुख्य आरोपी में से एक है। पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक गोंडा छोड़ बिहार के पटना में जा छिपा था, जिसे पुलिस ने पटना के पीरबहुर थाना से गिरफ्तार किया है। कहां से पकड़ा, क्या है आरोपी? ये दिनांक 22/9/22 को कॉलेज हटिया मोड़ के पास, हटिया में जो घटना घटी थी, जिसमें एक सुनील मंडल की मृत्यु हो गई थी और अनिल मंडल गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जो हॉस्पिटल में भर्ती थे, और उन्हीं के बयान पर जो कांड दर्ज किया गया था, जिसमें पूर्व में पुलिस अधीक्षक महोदय गोड्डा के निर्देशानुसार गठित छापामारी दल टास्क फोर्स के टीम के द्वारा 6 आदमी को गिरफ्तार करके भेजा गया है, उसी में उसी कांड से संबंधित एक अभियुक्त इस कांड का मुख्य चंदन महतो के साथ साथ जो ये विक्रम महतो, जिसकी गिरफ्तारी की गई है, इसके बारे में ये सूचना प्राप्त हुई कि ये पटना में एक जगह ये शेल्टर लिए हुए है, इस पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा वहाँ से मॉनिटरिंग करते हुए उनके निर्देशानुसार अपना एक छापामारी दल का गठन किया गया और टीम को यहाँ से भेजा गया पटना। इसमें सब इंस्पेक्टर गजेश कुमार, इंस्पेक्टर कृष्णा कुमार और जो सशस्त्र बल थे, वहाँ जा कर के वहाँ के पुलिस के सहयोग से, पटना जिला के पुलिस के सहयोग से ये विक्रम कुमार महतो को गिरफ्तारी की गई, और उनकी गिरफ्तारी करने के बाद वहाँ से जो भी विधिवत वहाँ से यहाँ लाया गया है, और उन्हें फिर यहाँ से हम लोग अपने न्यायिक दंडाधिकारी के यहाँ इनको अग्रसारित कर। पटना में कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? थाना अंतर्गत जो है वहाँ पर था, एक लॉज में था कहीं, वहाँ पर वहीं से उसकी गिरफ्तारी।